लिया गया, ताला डाल दिया गया और मृतक आश्रित जो महिला और पुरुष जो थे वो लगातार फुटपाथ पर बैठकर अपनी मांगों को रखते हुए नजर आए। वहीं आप मेरे पीछे इन तस्वीरों में देख सकते हैं यूपी परिवार निगम का जो मुख्यालय है, यहाँ के आला अधिकारियों से बात करने की पूरी कोशिश की गई, सीधा बता दिया गया कि इस संबंधित इस प्रकरण के संबंध में या इस भर्ती के संबंध में मृतक आश्रितों को जो जानकारी देनी थी वो मीडिया पर्सन से कहीं न कहीं तक बात अगर हम प्रधान प्रबंध कार्मिक अगर अशोक की करें, वहीं दूसरी तरफ अगर एडिशनल MD राम सिंह की करें तो जिस तरीके से कहा गया कि मैं इसके लिए अधिकृत नहीं, कहीं ना कहीं से अगर हम बात करें तो उनको आश्वासन की और जिस तरीके से धरना प्रदर्शन जो चल रहा उस पर उन लोगों को कोई भी संतुष्टि देने की बात सामने नहीं आई। लगातार अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये मृतक आश्रित ऐसे ही धरना प्रदर्शन में बैठे रहेंगे और ये आला अधिकारी सिर्फ अंदर बैठकर ही ये सिर्फ अपनी बातें करते रहेंगे। साथ यहाँ पर मौजूद हैं मृतक आश्रित जो लोग युवा और जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद है धरने पर जो बैठे हैं, आखिर इन लोगों की क्या मांगे? भैया क्या नाम है आपका? अरुण उपाध्याय। अरुण जी बताइए क्या मांगे हैं आपकी? हमारी यही है कि हम लोगों को जो है नियुक्ति दे दिया जाए। आज दूसरा दिन है। कितने दिन हो गए? आज दूसरा दिन है। लगभग कितना समय हो चुका है कि आप लोगों को यही आश्वासन दिया जा रहा है? 6 साल से आश्वासन दिया जा रहा है लेकिन अभी नियुक्ति नहीं मिला है। क्या कहेंगे? पीछे और भी कुछ बहनें हमारी बैठी हैं, उनके पास हम जाने की पूरी कोशिश करेंगे कि लगातार ऐसा क्यों, झूठा आश्वासन क्यों दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? मृतक आश्रित, जैसा कि आपको हम दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी जो दफ्तियां हैं, जो बैनर्स हैं, उन पर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम मृतक आश्रितों की नियुक्ति कब तक। बड़ा सवाल आपको हम दिखा रहे हैं आपको कि आखिर ये नियुक्ति कब तक, झूठा आश्वासन ये कब तक। सबसे पहले क्या नाम है आपका? जानमती देवी। क्या बताया गया आपको अभी तक? अभी तो हमको बस अनुशासन दिया जा रहा है, बस हो जाएगा। बताइए हम कब तक बैठेंगे उसी टाइम पर? हमारे बच्चे हैं दो, बताइए उन लोगों को, हम लोग को खर्चा कैसे चला। अंदर से आला अधिकारियों ने कुछ कहा? आश्वासन दिया 15 दिन। आश्वासन दिया बस हो जाएगा। MD आया, आश्वासन देता, आश्वासन देकर चले जाते हैं। 15 दिन, 1 महीना, हर बार आश्वासन देते, कुछ कार्रवाई नहीं। झूठे आश्वासन के लेकर क्या कहेंगे आप? झूठे आश्वासन का क्या करेंगे भैया? हम अंदर रात में बाथरूम टॉयलेट गेट बंद कर दिए, हम लोग आते ही देखते हैं जी यहाँ आए वहाँ पे तुरंत अंदर से गेट बंद हो गया। बताइए हम खुले में हम लोग गए उधर जंगल में, जड़ी पानी नहीं दे रहे पानी। कोई अंदर से MD साहब आए थे क्या? MD साहब नहीं आए थे, और भी प्रधान कार्मिक हैं वो आए थे, तो बोल रहे 15-20 दिन का समय और दीजिए। पहले भी कितनी बार वो कह चुके हैं, ऐसे हम लोग समय ले चुके हैं, नहीं हो रहा है तो कैसे मान लें कि अब भी हो ही जाएगा? तो कुछ में अगर हमें लिखित तो लगातार जिस तरीके से महिलाओं ने बताया कि जो दर्द है, आखिर यहाँ के जो युवा हैं इनसे भी जान लेते हैं इनका दर्द क्या है। आखिर भैया पूरा मामला क्या है बताइए? पूरा मामला ये है, मेरे पिताजी 2021-2005 में खत्म हुए थे, अभी तक का 3 साल हो गया है, कोई नियुक्ति नहीं मिल रही है और विभाग हमारा जो है 125 करोड़ रुपए में फायदे में है। ठीक, और MD साहब ने कहा था विभाग फायदे में होगा तब हो जाएगी, 15 अगस्त तक का बताया था, तो अब हम लोग आए हैं, अभी तक का नियुक्ति नहीं हो रही है और जो है हम लोग इतना परेशान हो गए हैं, अब हम लोग जो है भूख हड़ताल करने की जो है तैयारी में है। आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर? आज हमें दूसरा दिन हो गया है और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हमको लगातार आश्वासन पे आश्वासन दे दिया जाता है, हमारी नियुक्ति नहीं हो रही है, हम सभी बहुत परेशान हैं। आप ये हमारे सभी माताएं भाइयों बहनें सब आए हैं, पूरे 75 जिलों के कैंडिडेट आए हैं मृतका से, बहुत परेशान हैं। तो हमारे साथ भैया बैठे हैं, क्या नाम है आपका भाई? नीतीश नाम है भैया मेरा। एक्चुअली हम लोग धरना जो है 3 बार दे चुके हैं, ठीक है, और ये 4थी बार धरना है। हर बार सिर्फ ये कहा जाता है भैया हो जाएगा, ठीक, उनकी बात रख ली जाती है, हम लोग धरना ख़त्म कर देते हैं, लेकिन फिर से वही चीज़ कर देते हैं कि नहीं आश्वासन हो जाए, अब हो गया, अब वही चीज़ कह रहे हैं आप धरना ख़त्म कर दो, आश्वासन दिया जा रहा हो जाएगा। तो कुल मिला के ये है ना कि भैया हम लोग कब तक वेट करें? आपको लगता है कि आपका जो आश्वासन अंदर से दिया जा रहा पूरा होगा? आप तो अंदर भी नहीं घुसने दिया गया मुख्यालय के, वही हम लोग को उठा के यहाँ बैठा दिया गया ऐसे गेट पे, इनके घर के बच्चे हैं, तो इनके घर के बच्चे भाई आपने हम अंदर क्यों नहीं जगह दी है? 200 करोड़ रुपए हर साल ये जो डिपार्टमेंट है ये सरकार को देता है, 200 करोड़ यात्री कर, ठीक है, लगा देते सरकार को कायदे से इसको विशेष पैकेज देना चाहिए है भाई। MD को छूट होनी चाहिए कि अपने स्तर से ये नियुक्तियाँ कर पाए, या अपने स्तर पे जो भी राज्य स्तर पे होना चाहिए वो MD को दे दिया जाए चार्ज, ठीक भाई। नगर निगम का क्या है, आयुक्त जो है वो नियुक्ति कर देता है, सूचना जो है शासन को भेजता है, ये क्या करते हैं, नहीं आप शासन से अनुमति लीजिए, तो अलग अलग निगम में अलग अलग नियम क्यों है भाई?
वो भी तो निगम है। क्या लगता है आपको भैया झूठे आश्वासन? आश्वासन केवल बस हमेशा आश्वासन ही देते रहते हैं, आश्वासन में कोई निराकरण नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि ठोस आश्वासन दिया जाए और हम लोग का त्वरित नियुक्त। आश्वासन तो 3-4 बार दे चुके ना आपकी, वो इससे पहले कई बार दे चुके हैं लेकिन उनका कोई समाधान नहीं निकलता है। 2016 के बाद 2018 से आज 2024 हो गया, अभी तक कोई हम लोग मृतक राशि नियुक्ति नहीं हुई है। स्थिति ये हो गई है, आखिर यही परिवार हम लोग के मुखिया हैं, इन्हीं परिवार से निकले हुए हमारे पिताजी थे जो हम अपनी ड्यूटी करते हुए मतलब अपनी उनकी मृत्यु हुई उसके बाद हम लोग भटक रहे हैं 6-7 साल से। कोई हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक तरह से यहाँ आके हम लोग को एक झूठा दिलासा देते हैं, केवल एक तरह से चिढ़ाने का काम ही है और कुछ उसके अलावा कुछ नहीं है। हम लोग मजबूर ये हैं कि अब आगे आमरण अनशन करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कब तक आप लोग यहाँ बैठे रहेंगे? हम लोग जब तक आखिर नहीं होगा तब तक बैठेंगे हम लोग। नियुक्ति देखिए केवल घूम फिरा करके ये बात होती है। मार्च में भी मंत्री ने कहा था कि 31 मार्च के बाद आप आइएगा आपकी नियुक्ति हो जाएगी। फिर मई आया, मई में कहे कि ये मार्च के बाद आया कि बैलेंस शीट आ जाएगा उसके बाद आपकी नियुक्ति होगी। अब कहा गया ऑडिट रिपोर्ट होगा, ऑडिट रिपोर्ट भी आ गया कल माननीय ये अशोक कुमार कार्मिक प्रधान प्रबंधक, उन्होंने साफ साफ कहा है कि 120 करोड़ शुद्ध लाभ में है विभाग। लेकिन उसके बावजूद अब ये ऐसा ही विचित्र नियम अपने ही भाग में ऐसा है कि ब्रह्मास की तरह शासनादेश है कि हम कहते हैं विभाग के अधिकारी बड़े टॉप लेवल के अधिकारी हैं, डायरेक्टर लेवल का, उनके स्तर से अगर विभाग घाटे में जाता था यार उसका जिम्मेदार मृतक आश्रित तो नहीं हो सकता है कि उसके नाते मृतक आश्रित की नियुक्ति से वंचित किया जाए। एक सवाल भैया बताइए कारण क्या है, मुख्यमंत्री जी क्या करते हैं? 60 वो जो भर्ती पुलिस भर्ती परीक्षा हुई भाई, 60 लाख बच्चों ने फॉर्म भी उसको आपने फ्री कर दिया, ठीक है, हम लोग को उससे आपत्ति नहीं है। आपने बहन वो रक्षाबंधन में सारी औरतों का फ्री कर दिया, उससे हमको आपत्ति नहीं है। जब सारे आप आदेश कर सकते हैं आपको उसके लिए तो सोचना नहीं पड़ता, उसके लिए तो कैबिनेट नहीं बैठानी पड़ती। ये तो 1100 लोग का मामला है ना, बच्चों का, इसके लिए क्यों कैबिनेट करना है? भाई सीएम पे नहीं, सीएम जी से मेरी रिक्वेस्ट है भैया हम लोग का भी आदेश जल्दी से कर दीजिए। और हम लोग क्योंकि हम लोग क्या भैया झूठे आश्वासन के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैं ज्ञान सिंह, मैं सरकार से और मुख्यालय से दोनों लोगों से ये आवेदन विनती करना चाहता हूँ कि हमें मान सम्मान के साथ जो है नियुक्ति प्रदान की जाए। हर राज्य कर्मचारियों के विभाग में उन्हें 1 महीने से 90 दिन के अंदर भर्ती दे दी जाती है, जो कि हमारे यहाँ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हम आपके सामने देखिए सड़क पर हम भटक रहे हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आश्वासन तो एक अलग चीज़ हो गई, जब आपको अंदर ही नहीं जाने दिया गया है तो फिर आश्वासन क्या? हमें ये कहा जा रहा है कि आप हमारे ही परिवार के सदस्य हैं, हमारे बच्चे हैं। तो बच्चे आप हैं तो क्या रोड पर भटकेंगे, फुटपाथ पर? अब आपके सामने है, देख लीजिए ये गेट भी बंद है और किसी तरीके की हमें पानी की किसी भी चीज़ की मुख्यालय द्वारा कोई सुविधा नहीं मिली है। अब जब नहीं मिलेगी तो हम लोग कल से ही और भी बातें हैं यहाँ पर, कुछ लोग हैं हम उनसे भी जान लेंगे। भैया क्या कह रहे थे, कुछ बता रहे थे? यही जो है कि अब सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रदान करें क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। ठीक है भैया, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमें यही मैसेज देना है कि आउटसोर्सिंग पे भर्ती करने के लिए इनके पास जगह है। हमारे कुछ 1100 मृतक आशित है उनके लिए उनके पास विभाग में जगह नहीं है। हम आए गोरखपुर से, मेरा नाम फुरकान खान है। ताला बंद कर दिया गया मुख्यालय का? वो तो अब बंद कर दिया, वो उन लोग को मालूम है। ताला तो बंद कर दिया गया, ये लोग आ जाएंगे क्या? वही तो, इसके हमारे लिए वो ताला बंद किया कि हम लोग अंदर नहीं जाएंगे। जब तक हम लोग की नियुक्ति नहीं होगी तब तक तो ही है, एक नियुक्ति दे नहीं तो जहर दे नहीं तो मार दे, जो करे वो लोग कर ले। बस 6 साल से जब 6 साल से मर रहे तो एक ही दिन मर जाते हैं, घर पे भी है सब, घर पे सब बीमार है। ठीक है, जिस तरीके से अब हम आपको इन तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे लगातार जो बैनर्स के माध्यम से भी एक मैसेज देने का कहीं ना कहीं काम किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के मृतक, परिवहन निगम के जो 1000 से अधिक मृतक आश्रित नियुक्ति 2018 की दर से भटक रहे हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री से लगातार बैनर के माध्यम से भी वो तस्वीरें दर्शाई जा रही हैं, वो एक मैसेज भी दिया जा रहा है जहाँ पर मृतक आश्रितों को यथाशीघ्र जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए कि लगातार इन बेसहारा बेरोजगारों को जिस तरीके से भटकना ना पड़े। कहीं ना कहीं से ये बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाने की पूरी कोशिश भी कर रहे हैं। तो लगातार आपने देखा कि जिस तरह से झूठे आश्वासन को देकर परिवहन निगम के आला अधिकारियों द्वारा मृतक आश्रितों को आज रोड के किनारे फुटपाथ पर धरना देने के लिए मजबूर कर दिया गया। अगर ऐसी ही परिवहन निगम की ये स्थिति रही, ऐसे ही आला अधिकारियों के वो तो झूठे आश्वासन रहे तो क्या इस स्थिति में मृतक आश्रितों का भला हो सकता है? कैमरा पर्सन